छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर कांग्रेस लगातार एग्रेसिवली कहने के आगे बढ़ रही है, लेकिन कहने के जोगी फैक्टर अब उसके लिए एक चुनौती बनता जा रहा है, आप क्या कहें? भूपेश बघेल जी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने निश्चित रूप से ये प्रयास किया है कि लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाती रहे और आमजनों के साथ हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में वो खड़ी रहे, और ये प्रयास हम लोग आगे भी ले जाएंगे। रही जोगी जी की बात, तो फिलहाल हम लोग इस बात से काफी राहत महसूस करते हैं कि कांग्रेस से उन्होंने नाता अपना तोड़ लिया है, और इसलिए राहत महसूस करता हूं मैं व्यक्तिगत रूप से कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए विपरीत पहल करना ये कहीं ज्यादा नुकसान करता है। अपने जाति का मुद्दा भी उठाया है जोगी जी का, कहने का आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार खुद जब बचाव कर रही है तो उस तरह से कैसे जोगी जी की जाति का जो मसला है वो सामने आता है? सही कहा आपने कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, ये 2011-12 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि इनके जाति के संबंध में कमीशन बैठा के और इस बात का निर्णय किया जाए कि क्या वो ट्राइबल हैं या नहीं है, और इतना समय देकर ये स्वाभाविक है कि ऐसा संकेत जाता है कि क्या राज्य की सरकार जोगी जी के जाति मामले को किसी तरह से टाल के, बार बार टाल के उनको राहत पहुंचाना चाहती है, और उसी नाते जो दबाव उनके ऊपर बना रहेगा उसमें किसी प्रकार से उनका उपयोग भी करना चाहती है। ये स्वाभाविक तौर पे ऐसी बात सामने आती है, और ये इसलिए और भी 2013 के चुनाव के पहले राज्य सरकार की कमीशन ने एक निर्णय दे दिया था कि जोगी जी आदिवासी समाज के नहीं है, और उस निर्णय को, कमीशन के इस निर्णय को कोर्ट में प्रस्तुत करके फिर विड्रॉ कर लिया गया था ठीक चुनाव के पहले। ये करीब जुलाई अगस्त 2013 की बात है, और उनके विड्रॉ करने के बाद ही ये जोगी जी की मिनी माता एक्सप्रेस चली थी, और वो कई जगह जाके उनने अपने कैंडिडेट घोषित करना चालू कर दिया था कि ये मेरी कैंडिडेट, ये मेरा कैंडिडेट, इत्यादि इत्यादि। फिर केंद्र AICC को दखल देनी पड़ी और वो बात रुकी थी, किंतु ये स्पष्ट लिंक ऐसा प्रतीत होता है कि इनके जो मामले हैं कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसको टाल टाल के उनको अवसर देती है, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये बात है। सर, छत्तीसगढ़ सरकार अब शराब भी बेचने जा रही है, एक और शराबबंदी, जो आपका पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ पर शराबबंदी लागू की गई है, मैं छत्तीसगढ़ में अवैध शराबी की भी बिक्री हो रही है। खुद मंत्री अमर अग्रवाल से दूसरे मंत्रियों ने खुद पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? पूर्ण शराबबंदी हो ना हो ये एक अलग मुद्दा है, कुछ राज्यों ने इसको अपनाया है, गुजरात में भी, बिहार में भी, और वहाँ से भी ये बातें सुनने में आती हैं कि नहीं, नाम के लिए तो शराबबंदी है लेकिन आपको जो चाहिए मिल जाता है, वो एक अलग इशू हुआ। किंतु सरकार को क्या शराब के बेचने का काम करना चाहिए, ये कदापि नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी सरकार ऐसे कदम को वापस ले उतना बेहतर है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें शासन ने जब प्रयास किया है बिजनेस करने का तो वो विफल रही। करीब करीब हर ऐसे उपक्रम को आप अगर देखेंगे जिसमें शासन ने दखल दे के काम करने का प्रयास किया है, व्यापार करने का प्रयास किया है, वो विफल रही है। जो खास करके दैनिक खरीद बिक्री के, आप MPSRTC देख लीजिए, रोड ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, अन्य मुद्दों को देख लीजिए, जहाँ सरकार ने बिजनेस में हाथ डाला है, कारण ये है कि सरकारी तंत्र जो है वो बिजनेस करने के लिए उपयोगी नहीं होगा, निश्चित रूप से वो विफल होगा। एक दूसरा, भ्रष्टाचार होगा, सरकारी जो तंत्र है उसको भ्रष्टाचार में और लिप्त होने का आप अवसर दे रहे हैं। तीसरा, सरकार का ये काम कतई नहीं होना चाहिए कि शराब ऐसी चीज जिससे कि सामाजिक दुष्परिणाम भी होते हैं उसकी बिक्री को वो प्रोत्साहित करता हो, और शराब पियो, और शराब पियो, हमको पैसा चाहिए, कोई हर्जा नहीं है। सरकार जो काम कर रही है अर्थात जनहित का, तो क्या शराब पीना जनहित का काम माना जा सकता है? कभी नहीं। और यही अन्य कारणों में एक प्रमुखतम कारण है कि सरकार को शराब बेचते हुए कभी नहीं।